नमस्कार, साई सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के अध्ययन का विषय है इस्लाम। ब्यूटी ऑफ इस्लाम इक्वल्स टू ईमान। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके फॉलोअर्स दुनिया भर में फैले हैं। करीब करीब पूरी दुनिया में 200 करोड़ इसके फॉलोअर्स हैं और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब में ये शुमार रखता है। इसका ओरिजिन जो है वो मक्का सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि 7वीं शताब्दी में ये अस्तित्व में आया। भारतवर्ष में भी करीब आबादी का 15% हिस्सा इस्लामिक फॉलोअर्स हैं। मेरी नज़र में एक सच्चा मुसलमान वही है जिसमें कूट कूट कर भरा है ईमान। तो आइए आज एक खूबसूरत सा गीत का अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसमें ईमान को एक दौलत, एक ट्रीज़र के रूप में दर्शाया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति इसको याद रखे तो उसका जीवन या उसके बाद का जो नज़ारा है, जो हकीकत है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आइए इसकी शुरुआत करें। टूटे न मुसलमानों रिश्ता दरे जन्नत से, टूटे न मुसलमानों रिश्ता दरे जन्नत से, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से। टूटे न मुसलमानों रिश्ता दरे जन्नत से, टूटे न मुसलमानों रिश्ता दरे जन्नत से, रिश्ता दरे जन्नत से, दामन को भरो अपने, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से। जन्नत में बना लो घर ईमान की दौलत से, जन्नत में बना लो घर ईमान की दौलत से, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से। ऐ मोमिनो, खुदा के लिए होश में आओ, खोए हुए हो नींद में अब जाग भी जाओ। ऐ मोमिनो, खुदा के लिए होश में आओ, खोए हुए हो नींद में अब जाग भी जाओ। खुद को कभी सच्चाई का आईना दिखाओ, खुद को कभी सच्चाई का आईना दिखाओ। रहबर हदीस कुरान को तुम अपना बनाओ, रहबर हदीस कुरान को तुम अपना बनाओ। ऐसा नहीं तो शौक से तुम ठोकर खाओ, ऐसा नहीं तो शौक से तुम ठोकर खाओ। करके गुनाह राह में कांटे को उगाओ,
करके गुनाह राह में कांटे को उगाओ, पर याद रखना एक दिन वो वक्त आएगा, पर याद रखना एक दिन वो वक्त आएगा। हुए गलत हर काम की कीमत चुकाएगा, क्यों दूर हुए हो तुम अहकाम शरीयत से, क्यों दूर हुए हो तुम अहकाम शरीयत से, दामन को भरो अपने, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से। बरकत का ताल्लुक है, बरकत का ताल्लुक है इंसान की नीयत से, बरकत का ताल्लुक है इंसान की नीयत से, इंसान की नीयत से। दामन को भरो अपने, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से, दामन को भरो अपने ईमान की दौलत से। ये खूबसूरत रचना राइस मियां जी की है। धन्यवाद।